काफी अच्छा लग रहा है यार ये। जय हो बालाजी महाराज, जय हो बालाजी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज फ्रेंड्स। फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और नए दिन के साथ। तो अब आज दूसरी लोकेशन चलेंगे। हर ब्लॉग में यार ये की जगह की बार बार बताते हैं, बस्सी 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 का, इस बार बस्सी नहीं, इस बार मुझे ले जाएंगे। और आज मौसम भी ठंडा है, आज हल्की हल्की सुबह पहले बारिश हुई थी, अभी टाइम हो रहा है 8:30 और सुबह 4 बजे से लग रही है बारिश। हल्की हल्की ज़्यादा थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी और इसलिए बारिश हुई है और ठंडा मौसम अभी। और यार होने भी चाहिए, 2 दिन से बहुत गर्मी थी यार, काफ़ी तेज गर्मी थी, आज ठंडा मौसम है। तो चलो फिर आगे मिलते हैं अच्छे अच्छे नज़ारे। ये देखो बादल हो रहे हैं आगे, लग रहा है मौसम कि यहाँ बारिश और आ सकती है। और ये देखो सड़क भी गीली है, अभी थोड़ी देर पहले रुकी भी है, अभी रुकी हुई है बारिश, आगे का कोई पता नहीं है, आगे हो भी सकती है। और वैसे ऊपर देख रहे सूरज देवता की हल्की सी चलती भी आ रही है, मौसम का पता नहीं आ रही है। अपने कावड़ यात्रा अभी भी निकल रही है, अभी वैसे सावन का महीना चल रहा है तो कावड़ यात्रा तो निकलेगी। और इस बार वैसे बारिश बहुत कम हुई है, क्योंकि यार रेगुलर होनी भी तो चाहिए यार, मौसम भी तो है। तो ये अभी अपने कानों से आ गया, चलो आगे फिर मिलते हैं आपसे। मैं आगरा रोड से बप्पन है, लाल सोटवाड़ी हाईवे, लाल सोटवाड़ी रोड पे लग गए, तो बार बार जाता बस्सी होते हुए। तो आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा होगा यार, ये नहीं यार ये लोकेशन मुझे सबसे प्यारी लगती है। ये देखो आप, नीचे रोड और दोनों तरफ पेड़ों से कवर हो चुका है, आगे और भी है तो ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ही है। भाई साहब ये मच्छर मारने वाली गाड़ी मुझे दुखी करेगी काफी देर से यार, ये धुआं ही धुआं दे रही है, ना इसको मैं पास कर पा रहा हूँ और ये धुआं ही धुआं हो गया गाड़ी में भाई। इसको बोलते हैं बस्सी चक मेन मार्केट, और यहाँ की एक फेमस चीज़ है के पंडित जी की कचौरी। तो ये देखो इस वाली गली में एक छोटी शॉप है, काफ़ी है, अब यहाँ पे बस वही है, एक चीज़ फेमस है तो सब लोगों ने यहाँ दुकानें डाल रखी है, कचौरी कचौरी की दुकानें डाल रखी है यहाँ पे, फेमस तो उधर ही है पंडित जी की कचौरी के नाम से, शानदार है यार, खाया हूँ ट्राई करा हूँ, अच्छी है बहुत है, बहुत कम खाता हूँ। और अब अपने इधर निकल गए, करेंगे जब ट्राई, आपको जरूर बताएंगे पंडित जी की कचौरी कैसी लगती है, लेकिन अभी टाइम ना है भैया, अभी अपन को जाना है, लेट हो गए हैं भैया, बहुत ही लेट है भैया। ठंडे मौसम बारिश वाले, हल्की सी बूंदाबांदी हो चुने के बाद ठंडा मौसम आ चुका है, और यार क्या व्यू है यार, क्या बताऊं यार, बाहर से चेक मतलब हल्का सा ऊपर है बादल, उधर पहाड़ पे, अरे यार एक तो गला और खराब हो गया है, जो खुली रोड ऊपर बादल और साइड में एक पहाड़ है, पहाड़ पे हल्की सी वो हो रही है क्या नाम, जैसे वो बूंदाबांदी सी होने लग गई, मेरे को लग रहा है आगे बारिश है। तो ऐसे मौसम को नजरअंदाज नहीं करते हुए, मध्य नजर रखते हुए भैया हमें छोटा सा कप का चाय पियेंगे भैया, छोटी छोटी चाय पियेंगे, चाय मांगता बेड़ो चाय। और अब तो पहाड़ पे दिखाऊं आपको,
हल्का हल्का सा वो हो रहा है। ये देखो यार बारिश है भैया, बारिश है आगे, तो यहीं पे अपन साइड में लगाते हैं और चुस्की मारते हैं। चाय की फेमस अच्छी जगह है यार ये चाय के लिए, यहाँ एक चाय वाला है फेमस अच्छा है, तो बस यहाँ चाय पियेंगे और फिर निकल लेंगे वापस अपने रास्ते। मिलते हैं आपसे। चाय बहुत टेस्टी बनाते हैं, कुल्लड़ की चाय फेमस है बच्चे में। भाई हाईवे रोड से सीधा जंगलों में कहाँ गए? देखो आगे तो पहाड़ दिख रहा है और अपन जंगल में घूम रहे हैं। जगह शानदार है यार, कुछ लोग चलो आगे जो भी होगा देखा जाएगा। A few moments later. अपने यहाँ से रोड हो गई और अब चल रहा है पसीने देखो यार, अभी भयंकर मौसम है, गर्मी बुरी तरीके से पसीने देखो यार, क्या हालत है, बहुत बुरी। और जगह देखो आप, ये लालगढ़ है और जगह दिखाता हूँ आपको, ये देखो यार, मतलब यार क्या, मतलब पूरा ऐसा लग रहा है जंगल के अंदर बसा हुआ है, पूरा ग्रीनरी, लेकिन हाँ जगह अच्छी है यार। चलो फिर, और जो पहाड़ की बात करें तो वही है यार। चलो हाईवे पे मिलते हैं आपसे थोड़ा आगे चल के। भाजपा की रैली निकल रही है भैया, ओ भाई भाजपा की गाड़ी, ओ हो ये कौन, ये कौन से नेता जी जा रहे, देखना पड़ेगा। हेमंत मीणा, हेमंत साहब जी जा रहे भाई साहब। अरे मंत्री जी, तुम्हारे चक्कर में दूसरे को दिक्कत आ रही है, या तो इधर ले लो या इधर ले लो, एक जगह रोक लो। रैली निकालेंगे तो यार थोड़ा साइड में निकालो यार, बीच रोड में खड़ी करके गाड़ी, बीच रोड में क्या, तो रैलियां निकालने साइड में निकालो। मंत्री जी आनियो। और इस जगह को आपको देख के, मेरे अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आपको याद होगा ये जगह क्यों फेमस है, और जो नए सब्सक्राइबर है उनको मैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बता दूं तो मैं वो करवा दूं क्या बे, क्या बोलते हैं भैया, आपको इस जगह से मैं परिचय करा दूं। ये है विश्व में लगने वाला पहला गधों का मेला, यहाँ गधों का मेला लगता है विश्व में, तो ध्यान रखिएगा लूणी आवास। अब हाईवे से सीधा ऑफ रोड पे आ गए, नई रोड बन रही है, इसमें अभी तो मिट्टी डला हुआ है। और भैया इस गाड़ी में तो फर्क बहुत कम पड़ता है ऑफ रोड का, अच्छा ठीक है गाड़ी, और ज़्यादा भी नहीं, तो ये बस मिट्टी डली हुई है, कीचड़ है थोड़ा सा, यहाँ तो पक्का है। आगे जब एक थ्री व्हीलर जा रहा है जो प्योर ऑफ रोड करता हुआ। Dang gray.
know that I'll be here to stay. Let's fall in love. I won't let us fade away. Even when we old and gray, know that I'll be here to stay. And give you that breath. कितने प्रचार वाले मिलेंगे, पहले बस्सी में देखा तो वहाँ प्रचार कर रहे थे, यहाँ देखा यहाँ पे भी प्रचार की गाड़ियाँ चल रही, तगड़ी यार, तब कोई तगड़े इलेक्शन लड़ने वाले हैं ये लोग। और ये अब अपन आ गए यार मालवीय नगर का अंडरपास, तो पार करते हुए अपने जयपुर का जवाहर सर्किल। मौसम देखो यार कितना शानदार हो रहा है, बिल्कुल ब्लू कलर स्काई हो रहा है यार, और सुबह बिल्कुल बादल हो रहे थे ऐसे, मतलब बारिश वाला। और अब देखो क्या मौसम है यार, अल्टीमेट मौसम। एक चीज दिखाऊं शानदार, ये देखो। अब यार इसके अंदर छोटा दिख रहा होगा लेकिन काफी बड़ा झंडा है यार, ये देखो अपने देश का झंडा, क्या बात है यार, बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। ये लोकेशन है अभी अपने जयपुर का जो नया डब सिटी पार्क बना है, सर्च कर लेना गूगल पे, और ये जयपुर का नया अभी सिटी पार्क बना है, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये सिटी पार्क है, और इसके सामने से कुछ सामान लोड हुआ है, आप ये देख लो मतलब पूरी सीट कवर करके बैठे हैं, और यहाँ से रवाना हो गया, और बस अब आगे मिलते हैं आपसे। और ये देखो यार इसी की कह रहा था मैं, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है यार अपना इंडिया का फ्लैग, और ये शायद हर टाइम होता ही होगा यार, हटाते तो क्या होंगे, लगा ही रहता होगा, ये बहुत बहुत ही काफ़ी बड़ा है यार, और सुंदर भी कितना। ये है अपना जयपुर का पत्रिका गेट, अरे बड़ा फेमस है यार ये, और ये जवाहर सर्किल पर बना हुआ है, वही हमारा वही गाड़ी उठा ले कहीं, ये कहीं अभी गाड़ी उठा लेगा, अरे पत्रिका। आज तो भाई मौसम भी शानदार, क्या बोले, बहुत ही गजब। नीचे देखो रोड हल्की सी गीली हो रही है, और सामने पहाड़, और ऊपर आसमान, क्या सुंदर, मतलब यार आज तो मौसम साथ दे रहा, कुछ भी करो यार। वो दिन में जरूर थोड़ा सा हेर फेर हो गया था, थोड़ा गर्मी वाला मौसम हो गया था, लेकिन अब ठीक है। देखो आपके सामने भी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी आ रही है, हल्की सी बारिश आई, जयपुर में यह हालत हो जाती है। चलो बढ़िया भाई, जयपुर में यही है भाई, पानी ही पानी पड़ जाता है जगह जगह। फाइनली फिर से हाईवे रोड पकड़ लिया यार, और अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो स्वीट होम बस अपना घर, सीधा घर जाएंगे, तो बस चलते हैं, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं अपन। फाइनली गाइस इस वीडियो को यही एंड करते हैं, क्योंकि अब बस अब घर आ गए हैं, तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर कर देना, कमेंट जो भी हो आप करो, और देखो यार हालत बहुत बुरी हो गई यार, क्योंकि हर कहीं का मौसम देखा ना, गर्मी देखा, थोड़ी बारिश भी देखा, तो हालत वैसे ही टाइट हो गई तो चलो फिर मिलते हैं अपन नए वीडियो के साथ, जब तक लिए बाय बाय।